यार एशिया कप आ रहा है और सबकी जो निगाहें हैं ना आइस किस पे होंगी, एक बार फिर से होंगी विराट कोहली पे, स्पेशली जिन्होंने वर्ल्ड कप 2022 में मेलबर्न में, याद है वो छक्के हारिस रऊफ पे, एक बार फिर से उन पे ही दुनिया की नजरें होंगी कि एशिया कप में विराट कोहली कैसे परफॉर्म करते हैं। इंडिया पाकिस्तान मैच भी आ गया है बिल्कुल नज़दीक, तो मैंने सोचा बेस्ट 5 बैट्स करें और उनकी स्टार्टिंग कहाँ से करें। स्टार्टिंग करें किंग कोहली के बैट से, MRF ग्रैंड एडिशन है, ग्रैंड एडिशन जीनियस MRF ये बैट। इसका जो इनिशियल जो फीडबैक है, जो मैंने इसका जो टेस्टिंग अभी करी, तो यार ये बैट टू बी ऑनेस्ट जिस प्राइस का आने के बाद फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए लाइए, जो साउंड भी है ना विलो का, यार साउंड से बहुत चीज़ मैटर करती हैं, और अगर मेजॉरिटी ऑफ द विलो में एक टाइप का साउंड आ रहा है ना हार्डनेस का, दैट मीन्स वो बैट उस लायक नहीं है। और जिस प्राइस का ये बैट है, तो अगर आप इस बैट के लिए जाना चाहते हैं ना, विराट कोहली के फ़ैन हैं, तो इसको अवॉइड करिए आप। MRF जीनियस ग्रैंड एडिशन, आप इसकी ग्रेन्स देख लीजिए पहले, इसमें ग्रेन्स कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देखिए 8-9 ग्रेन्स होने के बावजूद साउंड ऑफ द विलो एक बार फिर से सुनते हैं, वो मज़ा नहीं है। इसलिए नहीं कि नॉक नहीं हुआ है यार, अगर कुछ बैट देखो नॉकिंग की जरूरत कहाँ पड़ती है, बॉटम ऑफ द बैट्स पे, एजेस पे सबसे ज़्यादा, मेजॉरिटी ऑफ बैट्स के स्वीट स्पॉट होते हैं ना, उनमें तो कमाल की आवाज़ आनी चाहिए यार, एक प्यारी आवाज़ आनी चाहिए, सॉफ्ट आवाज़ आनी चाहिए, तो वो उस बैट में नज़र नहीं आ रही है। प्रोफाइल ये रही बैट की, जो कि इतनी ह्यूज नहीं है, तो अगर आप इस बैट को लेके जाना चाहते हैं ना यार, जस्ट बिकॉज विराट कोहली फ़ैन है, अवॉइड करिए, और सिर्फ विराट कोहली को MRF में बैट, क्योंकि MRF के आपको क्या लगता है कि MRF के बैट यूज़ करते हो, MRF के बैट यूज़ नहीं करते, विराट कोहली स्टिकर लगाते हैं, और कौन सी कंपनी उनके बैट बनाती है, बहुत जल्दी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि एग्जैक्ट कंपनी क्या प्रोफाइल है विराट कोहली के बैट की, वो जल्दी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ अगर इस बैट को जा रहे हैं, अवॉइड इट, डोंट गो फॉर दिस वन। अब देखिए विराट कोहली का बैट था, वो था ग्रैंड एडिशन लगभग 30-32 हज़ार रुपये का, ये SF का बैट है, और इस बैट की जो कीमत है वो लगभग हाफ है इसके, और इसका जो साउंड आप देखिए, और हमारे दो स्टार है हमारे सामने जो अभी मुझे थ्रो डाउन दे रहे हैं, तो यार बॉल कहीं भी लग रही है ना, उसका जो एक तो जो साउंड है ना वो सॉफ्टर है उस विलो से जो ग्रैंड एडिशन का था, और बेटर, ये देखिए शेप भी बेटर है, पिकअप भी बेटर लगा मुझे उस बैट से, ब्यूटीफुल कैच लिया भाई ने सामने हमारे, कैचिंग भी चल रही है, तो आई थिंक ये भी देखिए सामने देखिए कैचिंग, ये स्टार्स हमारे यंग स्टार्स, दे आर तारीफ कर दो ना, इंडिया में तारीफ नहीं करनी है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत सी कैच लेते आज छूट गया उससे, लेकिन हाँ यार ये बैट स्टैनफोर्ड का बैट इज अ गो गो, स्टैनफोर्ड का ये मॉडल जो है, इसका पहले प्रोफाइल देखिए, ह्यूज प्रोफाइल कंपेयर कर अगर MRF वाले बैट से, और इस मॉडल का नाम है 11, SF का 11। अब आप देखिए कैसे प्राइसिंग में लोग बेवकूफ बनते हैं, कंपनीज बनाती हैं बेवकूफ, इन द सेंस बेवकूफ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ इंटेंशन सबकी ये थोड़ी ना हो किसी को सबको बेवकूफ बनाओ, बट लेकिन वो क्वालिटी नहीं है, अगर मैं क्वालिटी पर जा रहा हूँ, प्योर क्वालिटी वैल्यू फॉर मनी, तो अगर आपको आधे रेट में अच्छा बैट मिल रहा है, वहाँ बस स्टिकर नहीं होगा MRF का, बस ये अंतर, एक बार फिर से देखते हैं, प्यारा साउंड है। अब कहेंगे बॉटम पे तो देखो, बॉटम पे तो आएगा, लेकिन जितना बड़ा स्वीट स्पॉट होगा ना, इस बैट का स्वीट स्पॉट काफ़ी बड़ा है, साउंड बड़ा प्यारा है, तो आई थिंक SF का ये बैट बेटर है, इसका प्राइस लगभग 16,000 रुपये, यू कैन गो फॉर दिस वन। अच्छा आपने MRF का बैट आपने देखा था जो मैंने रिव्यू किया था, उसकी प्राइसिंग लगभग 30,000+ के अराउंड था, ये भी 30,000 के बैट है। अब डिफरेंस देखते हैं उस विलो में, ये DSC है जो अभी डेविड वॉर्नर यूज़ कर रहे हैं, और सडनली DSC ने मार्केट में थोड़ा सा अच्छा काम किया, अच्छी प्रोफाइलिंग बड़ी ह्यूज होती है इन बैट्स की, तो लेट्स सी। साउंड अभी भी थोड़ा सा क्या कैच यार, इसका साउंड भी बॉटम पे अभी लग रही है, लेकिन ऊपर जब आती है ना, तो अगर मैं कंपेयर करूँ MRF वाले से, एनी डे थोड़ा सा बेटर। यस ये देखिए मीट में बॉल का साउंड बड़ा सॉफ्ट है, सॉफ्ट नजर आएगा अगर मैं MRF से कंपेयर करूं, तो ये जो है DSC का कॉन्डोर सर्ज, इसके आप ग्रेन्स देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ग्रेन्स है इस बैट में। प्रोफाइल DSC सबसे ह्यूज प्रोफाइल की बैट बना रहा है, ये देखिए ह्यूज प्रोफाइल, अगर आप टाइम ढंग से करेंगे तो आई थिंक प्रोफाइल में एक बार फिर चेक करते हैं मिडिल में साउंड कैसा है, देखिए सॉफ्ट वन, गुड कैच, बहुत सॉफ्ट है, साउंड बहुत मैटर करता है, पिकअप भी बेटर है MRF से, तो DSC इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, लगभग 30,000 आपका बजट है तो गो फॉर कॉन्डोर सर्ज फ्रॉम DSC। अच्छा लास्ट टू बैट्स जो मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ, वो है एक SM का ये है स्टॉर्म, और लंडन वुड का ये स्पेशल वाला एडिशन, तो ये देखते हैं कैसे हैं ये दोनों बैट, पहले लंडन वुड पे जाते हैं ये वाले, लाइए
ओए हाय तो भैया एब्सोल्यूट धोनी गुड कैच। तो यार अलग ही तो आपको साउंड फील हो रहा होगा बैट का कि क्या मीच है और कितना जो साउंड है ना, ये देखो बहुत साउंड, अमेजिंग साउंड। अब बॉल कहीं भी हिट करी ना, कमाल का बैट, टॉप क्लास। ये विलो फ्रॉम लंडन वुड जो कि रिसेंट टाइम में नई ब्रांड्स में दे हैव डन अ ट्रिमेंडस जॉब, बहुत तगड़े बैट बनाए हैं। तो अगर इसके लिए आप जाना चाहते हैं, आपका बजट अराउंड 40-50 के बीच में है, ग्रेट ग्रेट ऑप्शन लंडन वुड का ये स्पेशल एडिशन। यार बच गया, इतना पावरफुल शॉट गया ये, सही में स्टॉर्म नाम इसका वाजिब है एसएम का, एक्सट्रीमली पावरफुल शॉट। और जो कैच ले रहा था ना यार हीरो, ऑलमोस्ट मुंह पे उसके बॉल क्रैश करी, लेकिन अच्छा फील्डर है वो। तो स्टॉर्म भी एक तगड़ा, और एसएम ने भी यार अच्छा काम किया रिसेंटली, इकोनॉमिकल बैट्स में अच्छे बैट्स बनाए कंसिस्टेंटली। तो ये मॉडल मुझे उनका पसंद आया एसएम का स्टॉर्म। ग्रेन्स देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ग्रेन्स हैं इस बैट में। उसका जो प्राइस है, प्राइस में 13,000 के प्राइस में, प्लीज लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। तभी तो ऐसे होगा। और हाँ, सी यू सून।